अब हम लोग ये जैसे क्वेश्चन है हम लोग सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब हमें ये मालूम करना है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल किस एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा या वाई एक्सिस टच करेगा या बोथ एक्सिस टच करेगा या इनमें से किसी को भी नहीं टच करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सब कुछ नहीं करना, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या बनी, एक्स एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस एट, इसका हाफ करिए फोर, y का कोएफिशिएंट क्या है प्लस फोर, हाफ करिए कितना टू। अब ये जो लिखा हुआ है प्लस फोर, ये इसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर है, सो आपने यहाँ देखा ये इसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर फोर, सो ये किस में आया y में, सो ये सर्कल टच करेगा किस एक्सिस को, y एक्सिस को, सर्कल टच करेगा किस एक्सिस को, वाई एक्सिस को, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये मालूम करना है कि सर्कल किस एक्सिस टच करेगा, कैसे मालूम करेंगे, क्लियर हो गया, इसका हाफ स्क्वायर नहीं है, इसका हाफ स्क्वायर ये है, क्लियर है। फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन बोला गया है ये दो टेंजेंट है आर टू टेंजेंट, कहने का मतलब क्या है, दो ही रेखाएं हैं वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो हमें फाइंड करना है डायमीटर, क्या फाइंड करना है डायमीटर फाइंड करना, यानी सर्कल है सर्कल में दो स्पर्श रेखा है, दो टेंजेंट है और डायमीटर फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या हिंट दे रखी है, इसको सबसे बड़ी हिंट रखी है ये लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यही नहीं हम लोग सी वन और सी टू कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस में इतना पोर्शन आपस में इक्वल है, लाइंस यदि पैरेलल है तो इतना पोर्शन आपस में कैसे होता है इक्वल, सो इसमें टू का मल्टीप्लाई करिए 10x माइनस 24y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, ये पोर्शन कैसा हो गया सेम, अभी पोर्शन सेम हो गया, क्वेश्चन में इन्हें स्पर्श रेखा बोला गया है, टेंजेंट इस सर्कल की ड्रॉ कैसे करेंगे, एक सर्कल है ये दोनों लाइनें टेंजेंट है, ये एक ये दूसरी ये, दोनों टेंजेंट है पैरेलल भी है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो व्यास होगा मतलब डायमीटर होगी, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड मॉड इसमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, मॉड का डिस्टेंस कैसे लेंगे पॉजिटिव, c1 माइनस c2 d, c1 माइनस c2 3 माइनस 10 3 माइनस माइनस प्लस 10 और अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 और प्लस 3 13 576 और 100 676 रूट लेंगे कितना आएगा 26, वैल्यू कितनी आ रही 1/2, ये इनके बीच की डिस्टेंस आ गई और यही इसका व्यास भी होगा। क्वेश्चन में व्यास के अलावा यदि रेडियस पूछी जाए त्रिज्या तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, सो यदि रेडियस पूछी जाए तो इसमें 1/4, सो इस क्वेश्चन में केवल व्यास पूछा गया है, सो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। फॉर व्हाट वैल्यू आपके डज द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x रिप्रेजेंट द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है, सर्कल क्या गिवन है 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर kx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x, ये सर्कल को तो अभी रिप्रेजेंट करेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्या मतलब हुआ, इन एक्स स्क्वायर के गुणांक वाई स्क्वायर गुणांक के बराबर, ऑप्शन क्या दे रखे हैं 1 2 माइनस 1 और 4, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो कंपटीशन में लोग इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, हमें ये मालूम है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट आपस में कैसे इक्वल होने चाहिए, तो यहां से देख के क्लियर हो रहा है, यदि 1 लेंगे k की वैल्यू 1 लेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर है यहां 1 आएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, यहां पर 8x स्क्वायर आएगा,
ये वन लेंगे यहाँ वन आएगा माइनस इधर आएगा टू वाई स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर और टू वाई स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ये इक्वल नहीं है सो ये वन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू वन सेटिस्फाई नहीं कर रही आगे बढ़ते टू नहीं हो सकता फोर लेके देखते हैं फोर यहाँ फोर गुड करेंगे यहाँ फोर गुड करेंगे फोर एक्स स्क्वायर इधर आएगा ये साइड ये क्या आएगा फाइव एक्स स्क्वायर फिर फोर गुड करेंगे माइनस फोर वाई स्क्वायर इधर आएगा क्या आएगा प्लस फाइव स्क्वायर यहाँ ये देख सकते हैं दोनों आपस में कैसे इक्वल है और ये इक्वल है 100% के की वैल्यू 4 आ रही है और ये एक रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा जब के की वैल्यू क्या होगी 4 ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये सर्कल है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे इक्वल किया जाए 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए kx स्क्वायर माइनस ky स्क्वायर माइनस का 2kx इसको इस साइड ले आइए 9x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे इस साइड ले आइए माइनस प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2kx यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर 9 माइनस के प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस के इज इक्वल टू माइनस का 2kx सर्कल है तो 100% एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर गुणांक आपस में बराबर होगा एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 9 माइनस के वाई स्क्वायर के क्या है 1 प्लस के इसे इधर ट्रांसफर करिए इसको इधर लाइए 1 कम होगा इसमें से 8 आएगा और ये इस साइड जाएगा तो क्या आएगा 2k के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4 आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करने में कितना टाइम वेस्ट हो रहा सो किसी भी क्वेश्चन में कंपटीशन में दिया ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप ऑप्शन से ही दिमाग लगा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो मैंने पहले ही बताया आप इसको ठीक है ना आप सॉल्यूशन भी इसको नोट कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 3, -4 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब हुआ हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है कोई सर्कल है बाहर एक पॉइंट है आउटसाइड में इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिन्होंने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ना देखा हो वीडियो देखकर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर सकते हैं ये चीज पहले ही बताई जा चुकी है आपको कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है इससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करा दीजिए रूट ले लीजिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है 3, -4 एंड सर्कल की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन पूछा गया स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट इस स्पर्श रेखा की लंबाई इस पॉइंट से पॉइंट सेटिस्फाई करिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 3 माइनस 12 4 24 प्लस 3 वैल्यू सेटिस्फाई करने के बाद रूट लेते हैं ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है 16, 9, 25 और 3, 28 और 28 और 24 इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 16, 9, 25 और 3, 28 28 में 12 गया रूट 40 ये वैल्यू रूट 40 आ रही ये L इज इक्वल टू आ गया लेकिन इस क्वेश्चन पूछा क्या गया स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर करना ही नहीं एल स्क्वायर पूछा गया है तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही 240 सो आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़े सर्कल के जो आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट है सो इन क्वेश्चनों को जो है नोट करिए और ट्राई करिए लोग ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सर्कल के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन बताएगा वैसे हमने हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट में इसके बारे में जरूर बताया आप सभी लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार देखेंगे उसमें ऑर्थोगोनल सर्कल क्लियर किया गया
दो सर्कल जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, when two circle are intersect at right angle is called orthogonal circle. सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0. x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0. सर्कल यदि ऑर्थोगोनल कट कर जाए तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. यहां पर जो सर्कल दे रखा है x square plus y square plus kx plus 4y plus 2 is equal to 0. सेकंड सर्कल की इक्वेशन दे रखी है 2x square plus y square, 2 से डिवाइड कर दीजिए, x square plus y square minus 2x minus 3 by 2y plus k by 2 is equal to 0. यहां से g1, f1, c1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. पहले सर्कल से g1, f1, c1. कंडीशन देखिए यहां पर लिखा है वो x के साथ में 2g1, 2 से डिवाइड करेंगे g1 आएगा. डायरेक्ट इसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें x के साथ में k लिखा है, 2 से डिवाइड करिए k by 2, 2 से डिवाइड करिए 2 एंड c की वैल्यू आएगी, c1 की वैल्यू आएगी 2. सिमिलरली यहां पर 2 से डिवाइड करिए g2 की वैल्यू आएगी -1, 2 से डिवाइड करिए f2 की वैल्यू आएगी -3/4, 2 से डिवाइड करिए c2 की वैल्यू आएगी, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं करना है, यहां c की वैल्यू आएगी k by 2. सर्कल यदि ऑर्थोगोनल कट करते हैं 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. 2g1 k by 2 g2 minus 1 plus 2f1 2f2 minus 3 by 4 is equal to c1 plus c2. 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आएगी माइनस k, 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, यहां पर आएगा 4 प्लस k बाय 2. इस साइड ले आइए, माइनस का 2k माइनस का 6 4 प्लस k, इसे उस साइड ले जाइए तो इधर ये माइनस 2k और k आएगा 3k, और इसी तरह ले आइए माइनस का 10, k की वैल्यू आएगी माइनस का 10 बाय 3. सर्कल यदि ऑर्थोगोनल कट करेंगे तो यहां पर k की वैल्यू आएगी माइनस का 10 बाय 3. इसी ऑर्थोगोनल की कैटेगरी में दूसरा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सेकंड सर्कल की क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल कट के बारे में बताया गया 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. अब एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी चीजें हम लोग लिख चुके हैं, जब एक बार क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होगी, 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. अभी भी जिसको ये प्रिपेयर ना हो पाया हो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर इस क्वेश्चन को देख सकता है. g1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, x का हाफ लैम्डा, g2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे x का हाफ यानी 2 प्लस 2f1 इसका हाफ करिए 3, 2f2 इसका हाफ करिए 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 1 c2, यहां पर 0 है. 2 into 2 4 lambda plus 3 into 6 is equal to 1, 4 lambda is equal to minus का 5, lambda की वैल्यू आ रही minus का 5 by 4. अब देखिए पहले से क्वेश्चन थोड़ा सा कम टाइम हो गया, जैसे जैसे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे. सो नोट करिए इस क्वेश्चन को, इसी में ऑर्थोगोनल सर्कल में थर्ड जो है क्वेश्चन है, इफ द टू सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, कट ऑर्थोगोनली, देन द वैल्यू ऑफ k. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया, जिन्होंने जो है हमारा पहला वीडियो ने देखा वो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है जाकर इसको क्लियर कर सकते जो है ये ऑर्थोगोनल के बारे में, और सारी छोटी छोटी चीजें उसमें जाके वीडियो में देख सकते हैं. टू सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y प्लस k इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टेन वाई प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो. कट ऑर्थोगोनली, कट ऑर्थोगोनली. सबसे पहले सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस का के बाई टू इज इक्वल टू जीरो. सर्कल यदि ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो कंडीशन होती है टू जी वन जी टू टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू. ऑर्थोगोनली का मतलब भी मैंने बताया आपको, जो है व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनली. जैसे दो लाइनें एक दूसरे पे 90 डिग्री होती है, एक दूसरे 90 डिग्री होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. ऐसे ही दो सर्कल एक दूसरे पे 90 डिग्री कट करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनली कट बोलेंगे. टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू. डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर रखते हैं, टू जी वन इसका हाफ करिए जी वन आएगा माइनस का थ्री बाई फोर, जी टू इसका हाफ करिए माइनस टू, प्लस टू एफ वन एफ वन इसका हाफ करिए थ्री बाई टू, एफ टू इसका हाफ करिए फाइव इज इक्वल टू सी वन, सी वन के बाई टू प्लस सी टू सिक्सटीन. सिंप्लीफाई करते हैं, टू से फोर कट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री, टू से टू कट जाएगा पंद्रह इज इक्वल टू के प्लस एलसीएम लीजिए 32 और अपान में 2, 15 की 18 इसको ले आइए 18 दुना 36 के प्लस 32, के की वैल्यू कितनी आ रही 4. नोट करिए ऑर्थोगोनल में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसे ये देखकर लगेगा कि इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन में जो है सर्कल की इक्वेशन देने रखी है. दो सर्कल ऑर्थोगोनली टच करते हैं तो उनमें कंडीशन टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू क्या होता है सी वन प्लस सी टू. पर क्वेश्चन में देखकर ये लगेगा नहीं आपको कि सर्कल की इक्वेशन नहीं है तो हम कैसे कट करेंगे. सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी जो है हम लोग जो है यूज करेंगे. बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जिसने जो है पहला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देखकर बेसिक प्रॉपर्टी में जाकर ये क्लियर कर सकता है. लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस आर, सेम रेडियस मतलब त्रिज्या बराबर है, एंड सेंटर 2, 3 एंड 5, 6. पहले के सेंटर कितने हैं 2, 3, दूसरे के सेंटर कितना है 5, 6, सेंटर मतलब उसके केंद्र रिस्पेक्टिवली. कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं. देन द वैल्यू ऑफ आर, दो सर्कल कंडीशन ये पढ़िए ठीक से, रेडियस इक्वल है सेंटर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस कैसी इक्वल है. सर्कल के सेंटर 2, 3 एंड 5, 6. अब क्वेश्चन में ये है कि सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ये जो कट कर रहे हैं कैसे कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली. और मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप यहां पहले सुख चुके हैं, क्वेश्चन ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है. 90 डिग्री कटने 90 डिग्री बना लिया यहां पर, ये इन दोनों को मिला लिया. यहां से देखकर क्लियर हो रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. उससे पहले ये लेंथ फाइंड करनी होगी, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, 2 - 5 3 का होल स्क्वायर, 3 - 6 होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी रूट 18 आएगी, यानी ये जो लेंथ आ गई रूट के अंदर कितनी आ गई 18. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. 2r स्क्वायर की वैल्यू 18 आएगी, कैंसिल करो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ गई. तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है चार क्वेश्चंस ऑर्थोगोनल सर्कल के जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो है प्लीज़ वीडियो को देखिए और ट्राई करिए जो है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए.